नमस्ते दोस्तों, आज हेमास परंपरी में बन रहा है पालक के पराठे। पहले हमने ककड़ी के पराठे दिखाए थे, अभी हम पालक के पराठे दिखा रहे हैं। और ये है पालक 125 ग्राम, ये है आधा प्याज कटा हुआ और आधा हमने वैसे ही रखा है, आधा हमने वैसे भी रखा है उसमें डालेंगे। और यह है लहसुन, और यह है मिर्ची, और यह है कोथिंबीर, और यह है आला। सबसे पहले हम मिक्सर में मिर्ची, लहसुन, प्याज और बाकी चीजें डालेंगे। दिखाते हैं। और उससे पहले हम पालक को नमक के पानी में थोड़ा डुबा के रखते हैं, पालक, कोथिंबीर और मिर्ची को, और बाद में बाकी का दिखाते हैं। सबसे पहले डालते हैं ये परात में बहुत सारा पानी डालना है, थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि उस पर जो केमिकल्स वगैरह रहते हैं सब्जियों में वो निकल जाते हैं। उससे देखिए ये पालक और ये पत्ते पत्ते तोड़े हैं हमने, आखिरी आखिरी थोड़ी डंडी जो ज्यादा की दिख रही वो अभी साथ में हम कोथिंबीर भी इसमें डाल रहे हैं, लहसुन हम डाल रहे हैं और ये मिर्ची जो है हमने अभी पानी में रखी, ये हमने बड़ी बड़ी दो मिर्ची ली है वो भी हम टुकड़ों में काटे उसमें, और ये डाल बारीक करके लेते हैं। आला, मिर्ची, लहसुन, जीरा हमने डाला है और इसको हम घुमा के लेते हैं। थोड़ा नमक डालते हैं इसमें ताकि वो उसकी पेस्ट नुमा एक बन जाए, और प्याज भी डाल देते हैं। ये आधा प्याज जो हमने काटा था इसका हम एक पेस्ट नुमा बनाएंगे। ये पेस्ट नुमा हमने बना लिया है और अभी दिखाते हैं। आगे हमने मिक्सर में डाला है कोथिंबीर और ये पालक काट के मोटा मोटा सा काटा है, इसकी प्यूरी बना लेते हैं मिक्सर। अभी हम एक कटोरी भर गेहूं का आटा डाल रहे हैं, थोड़ा कम है, एक को 3/4 है, और टेस्ट के लिए डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक क्योंकि पालक प्यूरी में भी हमने थोड़ा नमक डाला था। और ये जो है ये इसमें से थोड़ा सा हम डाल देते हैं, एक चम्मच डाल देते हैं इसमें से, मैं जीरा तो हमने उसी समय डाला था, ये एक चम्मच तेल हम डाल रहे हैं इसमें सफेद तेल, थोड़ा नमक हमने डाला है और पालक की प्यूरी बनाते समय भी हमने डाला था, एक छोटा चम्मच हम तीखट डालते हैं और हल्दी डालते हैं, कोथिंबीर हमने डाली इसलिए धनिया पाउडर नहीं डाल रहे, जीरा हमने मिक्सर में लहसुन के साथ में ही पीसा था वो मिर्ची और लहसुन के, इसमें अब इसमें जितनी बैठेगी ये आटे में उतनी प्यूरी हम डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डाल के भिगाएंगे इसको और देखेंगे। थोड़ा तेल भी डाल देते हैं हम, एक दो चम्मच के करीब ये हम तेल भी डाल रहे हैं इसमें, और ये थोड़ा थोड़ा डाल के रोटी के जैसा आटा भिगा लेते हम। पालक में आयरन रहता है, पालक में विटामिन रहते हैं हम वगैरह, तो ये सेहत के लिए अच्छा ही है। पालक की सब्जी भी बना के तो बहुत लोग खाते, पर सब्जी खा के जब बोर हो जाते हैं तब पराठे बनाइएगा, और पराठों के साथ में और दूसरा कुछ अच्छा, मूंग दाल या और कुछ ऐसा बना सकते हैं, टमाटर डाल के मूंग दाल,
ये देखिए कितना अच्छा बना है। ये देखिए अब इसमें हम रेस्ट के लिए इसको रखते हैं, थोड़ा सा तेल लगाएंगे ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाते हैं ताकि ये सूख ना जाए। और अच्छे से रख देते हैं। दाल बना रहे हैं हम अभी मूंग की, दिखाते हैं आपको। देख लेंगे मूंग की दाल और पालक के पराठे बना रही हूँ। और ये बन रहा है जो ना नाश्ता है, जो ना लंच है, उसको हिमास पारंपरिक रेसिपीज में आज हम दिखा रहे हैं। पालक के पराठे क्या प्यूरी बना के हमने आटा बना लिया है आपके सामने ही। अब इसके हम पराठे जरा करते हैं, पराठे बनाते हैं। देखिएगा ये देखिए ये पराठा बनाया हमने, ये पराठा बनाया है और दिखाते हैं। अभी उसको सेकते हैं, पहले थोड़ा सा सेक लेंगे, फिर उसको हम तेल डाल के थोड़ा सा ये करेंगे। अभी और बनाते हैं। ये लिए हमने दूसरी लोई, ये ली हमने दूसरी लोई थोड़ी बड़ी, यानी हमेशा से फुलके से। और इसको हम ये इसमें भिगाएंगे, अच्छे से डुबाएंगे दबा के, और फिर ये बेलने को भी इजी जाता है। और पराठे की तरफ भी देखते हैं कि पराठा अच्छा सीख रहा है। सेक लेते हैं पराठे को भी अच्छे से और थोड़ा ऐसा एडजस्ट करते कि आपको सब दिख जाए। ये देखिए तवा भी दिख रहा है आपको और ये भी दिख रहा है आपको। और चम्मच से हम अभी इस पर डाल रहे हैं तेल, देखिए आपको दिख रहा है। और अभी उसको पलटाते हैं, ये देखिए कितना अच्छा। अभी सीम करते हैं, गैस पूरी तरह हम सीम करते हैं। देखो कितना मस्त फूला है, कितना मस्त फूला है देखिए। और उधर हमारी दाल भी पक रही है मस्त, देखिए कितने मस्त बने हैं। और अभी हम रखते हैं वो छन्नी पे और ये निकले, इसको रखे इस पर। अभी इसको देखते, और देखिए ये देखिए इसको अच्छे से पलटाते हैं हम। तेल लगाते ही देखिए, ये देखिए कितना मस्त फूल है। देखिए मस्त फूल रहा है ये, देखिए कैसे वो आप जा रही है उसके।
हैं आपको एक एक चमचा छोटे चम्मच तिखट हरद मसाला और धनिया पाउडर और नमक, और ये अभी हम डाल रहे हैं इसमें और इसको भूजेंगे हम बटाटे को भी थोड़ी देर के लिए, और ये चावल को भी हम भून देंगे अच्छे से। ये है बासमती चावल, तो इसको मैंने 10 मिनट भी जाके रखा था। ये है बासमती चावल, इसको 10 मिनट के लिए भिगा के रखा था। एक कटोरी है वो, उसको हम अच्छे से भून लेंगे, वो बटाटा भी उसमें हो जाएगा, मसाले भी इसमें हो जाएंगे, और हम डालेंगे इसमें गरम पानी। तब तक हम इसको धीरे धीरे भून लेंगे। अभी इसमें हम डाल रहे हैं ये ड्राई फ्रूट्स का भूल का और थोड़ा केसर। ये देखिए ये केसर डाल रहे हैं हम इसमें। घी डालते हैं इसके इसमें थोड़ा अच्छा चलने के लिए, अच्छा होने के लिए, एक स्वाद आएगा उसका एक स्वाद आएगा, इसीलिए आधा चम्मच घी डाल देते हैं हम। और फिर इसको थोड़ा सा सब लगा, देखिए कितना अच्छा खिल रहा है। देखिए अभी से सुगंध आ रहा है इसको, और अभी डाल देते हैं गर्म पानी और कटोरी और बटाटे के लिए, बटाटा होने के लिए हम और डाल देते हैं। तो ढाई कटोरी के करीब हमने पानी डाला है, और अभी कर देते हैं बंद, और दो सीटी होने के बाद में हम उसको धीमा करेंगे। अभी हाई फ्लेम पे है, दिखाते हैं बाद में। ये देखिए अभी खाना तैयार है, और ये खाना ऐसा है ना, ये ब्रेकफास्ट है ना लंच है, और ऐसे बीच में का समय है, बहुत भूख लगी है, रात को खाने का होने का टाइम है। ऐसे में ऐसा कुछ किया जाता है कि पेट भर के खा सके, और कहीं दूर गाँव जाना है, कहीं काम के लिए बाहर जाना है, तो 4-5-6 घंटे की आराम से रह सके इंसान बिना कुछ खाए पिए। ऐसे में कोई एक शब्द है, आप मुझे बताइएगा उसको क्या कहते हैं। तो जो कोई मेहमान आया और उसको लगी भूख, और उसको जाना है जल्दी अपने काम के लिए, और शाम को देर से आने वाला है वो घर में, तो उसके लिए ऐसी चीज़ें बनाए जो पेट भी भर सके, सेहतमंद भी हो, और खाने की उसकी इच्छा भी हो जाए, टेस्टी भी रहने लगे। तो आज हमने बनाया है पालक के परोठे, वो आपने देखे ही होंगे वीडियो में। देखिए पालक के परोठे कितने अच्छे बने हैं, ये पालक के परोठे कितने अच्छे और कितने करारे बने हैं देखिए। और पालक की प्यूरी बना के उससे हमने आटा सना है गेहूं का, और ये है मूंग दाल, ये भी आपके सामने सब बनाई है। मूंग दाल सेहत के लिए भी अच्छी रहती है, पचने में भी हल्की है बाकी दालों से, और सहजता से पच जाती, टेस्टी भी है। मैंने उसमें टमाटर प्याज सब जो मसाला रहता है अपना हमेशा का वो डाला है। और ये है चावल, बासमती चावल का बटाटे भात, मैंने पुराने स्टाइल से बनाया है, जैसे पुराने स्टाइल में मसाले भात बनाते थे, आले लहसुन मिर्ची वगैरह डाल के और कुछ खड़े मसाले डाले हैं। आशा है आपको पसंद आएगा, बहुत अच्छा बना है। ये भी आप देख सकते खिला खिला से दाने, पूरे खिले खिले से हैं, लाल और हरी मिर्च डाली है मैंने, और धनिया पाउडर भी डाली है, ऊपर से धनिया से सजाया भी है। और ये है सैलड फलों का, अंगूर है इसमें, सफरचंद है, और उसमें चाट मसाला डाल के एक तरह का उसको
सैलेड बनाया है, और ये है टमाटर और प्याज का सैलेड, और नींबू और नमक। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और आप जरूर जरूर करके देखेंगे कि ऐसी कभी कभी समय आया किसको खिलाने पिलाने का, मेहमान नवाजी करने का, तो आप जरूर ये ट्राई करके देखिएगा। इसके लिए और भी पुलाव तरह तरह के बनाए जाते हैं, और एक पुलाव ऐसा बनता है इसमें कि बेसन का, बेसन के मुठे करके डाले जाते हैं उसमें, गोड़ा भात बोलते हैं उसको मराठी में, वो भी ऐसे समय में भर पेट भर के और टेस्टी भी रहता है। आज मैंने पुराने स्टाइल का बटाटे भात बनाया है, जिसको मसाले भात भी बोला जाता है। देखिए कैसा खिल गया है एक दाना, और अच्छा टेस्टी भी बना है। तो आशा है आप पसंद करेंगे, और आप जरूर करके देखेंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।